Oz. Didn't even get to Roz. दो पॉइंट अर्जित किए अक्षित ने। और भाई यहाँ पे पॉइंट भैया जो मेरा भाई है उसको बोलो कि पावर बैंक दे, विक्की नाम है उसका जो मध्य प्रदेश है वो पावर बैंक। भाई विक्की जो मध्य प्रदेश से मुकेश के साथ है वो एक बार पावर बैंक लेके आए विक्की। मोहित उर्फ बंगाली मकड़ोली जिला रोहतक इस समय रेड पर, पांच खिलाड़ियों के डिफेंस में बिल्कुल अंदर तक प्रयास। बिल्कुल फंस चुका है जाल में मोहित और पॉइंट मिला जोड़ी की टीम को। छह खिलाड़ियों का डिपो हथवाला की टीम को एक और पॉइंट अर्जित। अब फिर अक्षित पांच खिलाड़ियों के डिफेंस में। इसके बाद फाइनल मैच होगा पवन सहरावत पवन कात्यान वर्सेस इस मैच की जो भी विनर टीम होगी उसके बीच होगा। टू पॉइंट दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं माड़ी कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल। अगर कभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट अपने दोस्तों में शेयर। पवन कात्यान की टीम मैदान के नजदीक आ जाए क्योंकि इस मैच में भी भगवान जी आप बोलिए इनको एक ही बोलेगा। 11-21 कर दे तो भाई एक बार स्कोर बता दे राव भाई, एक बार स्कोर। 14 पॉइंट हथवाला और 9 पॉइंट जोड़ी, 14-9 का स्कोर। हाँ बिल्कुल लीजिए एक और पॉइंट अर्जित किया, 15-9 का स्कोर। और एक बार समय से भी अवगत करा दे टीमों को कोच साहब। और एक अच्छी लीड के साथ अथवाला की टीम, लेकिन बहुत बड़ा मैच है, वापसी का भी समय बचा हुआ है कि वापसी की जा सके। Thank you.
स्कोर स्कोर अनाउंस करना है एक बार स्कोर स्कोर अनाउंस करने के लिए स्कोर है दोनों टीमों को हाँ जी बताना भाई साहब 18-9 इन फेवर ऑफ हथवाड़ा हथवाड़ा का स्कोर 18 जोली का स्कोर 9 18-9 का स्कोर बहुत ही बढ़िया मैच आपके सामने ऑफिशियल का डिसीजन तीनों ऑफिशियल 2 पॉइंट किसी भी टीम का सदस्य कोई बात प्लीज बहुत ही बढ़िया हमारे लिए दो दो टीमें बराबर हैं कमेटी के लिए एम्पायर के लिए रेफरी के लिए हमारे लिए दर्शकों के लिए दोनों टीमें बराबर हैं बहुत ही ईमानदारी का परिचय 4 नंबर टेस्ट के खिलाड़ी ने तुरंत ही यस की हथवाड़ा की टीम लगातार अपने पॉइंट बढ़ाती हुई और अब भाई कोई खिलाड़ी आर्गुमेंट ना करे ऑफिशियल देंगे जो डिसीजन होगा वो मानने जाएगा आप किसी प्रकार की बहस ना करे राहुल लगातार रेड करता पिछली रेड में बेहतरीन टोटल्स किया था सेमीफाइनल जैसा मुकाबला आपके सामने बहुत ही बढ़िया मुकाबला कई सेमीफाइनल फाइनल देखते हैं वन साइड मैच रहते हैं लेकिन पहली रेड से ही अब तक बिल्कुल बराबर चलते हुए दोनों टीमें एक एक पॉइंट हर रेड में उधर से 77 नंबर इधर से अक्षय 2 नंबर चेस्ट का खिलाड़ी लगातार पॉइंट लेता हुआ बहुत ही बढ़िया ये प्रतियोगिता का समापन की ओर अंतिम समय में ये मैच फाइनल में एक टीम पहुंच चुकी है पवन कल्याण क्या बात है साथियों बिल्कुल अनुमान था कि रेडर आगे जाएगा बैक होल्ड करेंगे और बिल्कुल एकता से टैकल किया गया पॉइंट मिला हथवाड़ा की टीम को हथवाड़ा धीरे धीरे फाइनल की तरफ बढ़ती हुई एक एक कदम और जोड़े की टीम पिछड़ते हैं लेकिन फिर एक पॉइंट जोड़े ने अर्जित किया पहले महाराष्ट्र में रात को मैच होते थे शाम को 4 या 5 बजे मैच शुरू होते थे रात के 12 बजे तक जब मैं ट्रेनिंग करता था नागपुर ये सोचते थे कि रात को मैच होंगे कौन दर्शक लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब प्रत्येक मैच जैसे प्रो कबड्डी में रात को मैच होते हैं 7:30 बजे के बाद में वही और इतने दर्शक शायद उस प्रो कबड्डी के अंदर भी नहीं होते हैं जितने आज इस खेल प्रतियोगिता में दर्शक जुटे हुए हैं मैं उनका तहे दिल से कमेटी की तरफ से ऑफिशियल टीम की तरफ से उन दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार की प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं धन्यवाद और बिल्कुल कबड्डी को बड़ा प्रेम किया जाता है दिन की बात हो चाहे रात की बात हो हरियाणा प्रदेश में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं सबके सब डे नाइट होते हैं लगभग 1 या 2 बजी जाते हैं टूर्नामेंट शुरू होते होते और इतनी कबड्डी खेली जाती है इतनी टीमें पहुंचती हैं कि रात्रि तक टूर्नामेंट चलते हैं और ये खिलाड़ी घर पहुंचते पहुंचते इन्हें सुबह 4-5 बज जाते हैं क्योंकि कोई जींद से है कोई सोनीपत से है और टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में होती है अच्छा मैच अच्छी टीमें अच्छे ऑफिशियल अच्छा हमारा निर्णायक मंडली और लीजिए एक और पॉइंट अर्जित किया जोली सोनीपत अक्षित अभी भी एक अच्छी स्पीड और अच्छी फुर्ती के साथ रेड करता है कि युवा रेडर है अच्छे हैंड टच है अच्छा कवर पे अच्छा टच लगाता है हाथ खोल के
बहुत ही जोली की टीम को पॉइंट मिला और अब टॉस के डिफेंस में जोली सोनीपत की टीम है दोस्तों। ये मैच में फिर से वापसी के संकेत दिए हैं जोली की टीम ने। दो खिलाड़ी इस समय बाहर विशाल रेड पर। आहा बिल्कुल टच का दावा लेकिन डिसीजन का वेट करें। हाँ जी बिल्कुल हमारे ऑफिशियल देख रहे हैं। आपका काम अपील करने का, आप सिर्फ अपील कीजिए, बाकी टच है या नहीं है वो डिसाइड कर लेंगे ऑफिशियल है। तीन तीन ऑफिशियल कृष्ण कुमार जी, श्री मोर मुकुट जी और भूपेंद्र जी। इस प्रतियोगिता की एक टीम पहुंच चुकी है फाइनल में पवन काद्यान और दूसरी टीम इस मैच की जो निर्णायक टीम होगी वो इस टीम को केवल 5 मिनट का समय मिलेगा। ट्वेंटी मैच खेला इन्होंने, जब तक वो कोर्ट की मार्किंग हो इस टीम को जो विजेता टीम होगी उसको रेस्ट किया जाएगा। तो भाई पवन काद्यान की टीम वार्म अप हो जाए, उनको पहले ग्राउंड पे आना है। मैच की कभी भी घोषणा हो सकती है समाप्ति की। इसके बाद एक और मैच होगा फाइनल मैच, पवन काद्यान वर्सेस इस मैच की विनर। अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। विशाल विशाल लगातार प्रयास और कोशिश करता हुआ, हार जीत किसी के वो विशाल ने जरूर अपना गेम दिखाया है। ये खूबसूरती है, ये टेक्निक। कौन है यार, एक बार कौन तो नहीं भाई। थर्ड और फोर्थ के लिए दोनों टीमें, जो टीम मैच लूज करेगी वो यहीं रुक जाएगी और दूसरी टीम निजामपुर लारा वो ग्राउंड पर आ जाएगी। का मैच होगा इस टीम की रनर अप टीम और दूसरी सेमीफाइनल की रनर अप टीम, दोनों का हार्ड लाइन मैच होगा। मार्किंग जो कर रहे हैं, ये मैच समाप्त होते ही प्रॉपर मार्किंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मार्किंग की आपने, आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए कमेटी ने और भाई सुनो सर, टीम इस जो ये मैच चल रहा है इसकी रनर टीम, रनर अप टीम और जो दूसरे सेमीफाइनल में जो रनर अप रही है वो टीम तुरंत इसी मैदान में आ जाए। पहले हार्ड लाइन का मैच होगा, उसके बाद में फाइनल मैच होगा। भाई लारा निजामपुर टीम ग्राउंड पर आ जाए, ये मैच बिल्कुल समाप्त है। आप जैसे ही ग्राउंड पर आओगे समाप्ति घोषणा हो जाएगी। लारा निजामपुर टीम, लारा निजामपुर और जो इस टीम मैच में लूज टीम होगी वो ये हार्ड लाइन का मैच होगा। पहले तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए हार्ड लाइन का